चेतन नर्सिंग घोटाले की, नर्सिंग घोटाला मुद्दा उठाने वाले को जान से मारने का खतरा बना है। रवि परमार ने सुरक्षा की गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मुलाकात का समय मांगा। बता दें कि घोटाले से जुड़े साक्ष्य सौंपने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। नर्सिंग घोटाले में कई बड़े शिक्षा माफिया और अधिकारी शामिल हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को स्वच्छ बनाया जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि मेरी हत्या और झूठे प्रकरण दर्ज करवाए जा सकते हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार जिस तरह से नर्सिंग घोटाले को लेकर मुद्दा उठाया गया था, रवि परमार ने इस मुद्दे को उठाया था और अब रवि परमार ने खुद की सुरक्षा की गुहार मुख्यमंत्री से लगाई है। साथ ही मुख्यमंत्री से मिलने के लिए समय मांगा है, जिसमें घोटाले से जुड़े साक्ष्य सौंपे जाने के लिए भी समय मांगा। तो नर्सिंग घोटाले में बड़े शिक्षा माफिया और अधिकारी शामिल हैं, ऐसा रवि परमार का कहना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को स्वच्छ बनाया जाना चाहिए, मेरी हत्या और झूठे प्रकरण दर्ज करवाए जा सकते हैं। नर्सिंग घोटाले को उजागर करने वाले विसिल ब्लोअर रवि परमार को अब जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। खुद हमारे साथ उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा, बात भी करेंगे। कैसी धमकी मिल रही है, मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा? देखिए, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा पहले तो मैंने कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाला हुआ, नर्सिंग फर्जीवाड़े में उन्होंने कहा कि अधिकारियों और तत्कालीन रजिस्ट्रारों पर कार्रवाई की जाए, तो उसके पूरे साक्ष्य मेरे पास है। मैं मुख्यमंत्री जी को पूरे साक्ष्य सौंपना चाहता हूँ और वो जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें पूरा मध्य प्रदेश शासन का मैं सहयोग करना चाहता हूँ कि नर्सिंग फर्जीवाड़ा जो हुआ उसने पूरे भारत में मध्य प्रदेश की बदनामी हुई है उसकी वजह से, और हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षा माफिया का सफाया हो, मध्य प्रदेश में स्वच्छ शिक्षा हो। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि हमें समय दिया जाए साक्ष्य देने के लिए। वहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़े में लगातार उजागर किया, इस पूरे फर्जीवाड़ों को उजागर करने में मैं लंबे समय से लगा हुआ था और उसके खिलाफ आपको जान का खतरा भी है, आपने सुरक्षा की मांग भी की। देखिए, इस दौरान कई जब मैंने नर्सिंग घोटाला उजागर किया था तो कई झूठे प्रकरण मेरे ऊपर दर्ज किए, मुझे जेल भी भेजा, और अब भी पूरी तरह से ये बड़े रसूखदार और बड़े अधिकारी इसमें संलिप्त हैं। वो रसूखोर मेरे खिलाफ कुछ भी षड्यंत्र कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरी हत्या भी करवा सकते हैं और कई षड्यंत्र करके झूठे प्रकरण में भी मुझे फंसा सकते हैं। अब इस बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुझे लगता है नर्सिंग घोटाले को एक्शन के मूड में है, तो हम पूरे उनको कार्रवाई के साथ में पूरे हमारे पास जो साक्ष्य हैं पूरे उनको सौंपना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने मान्यता दी है अनफिट कॉलेजों को, उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी कि उनका दायित्व था उस समय, उन्होंने बेहतर जांच नहीं की, इसलिए अब उन पर भी सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए क्योंकि उन्होंने लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा हुआ तो लाखों छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ तो हुआ ही है, यह आगे जाके मध्य प्रदेश की जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता, उनकी जांच के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होता, क्योंकि मानव जीवन से सीधा नर्सिंग का जुड़ाव होता है। जब अस्पताल में हम इलाज करवाने जाते हैं हम सबके परिजन, तो वो नर्सिंग स्टाफ ही रहता है जो ट्रीटमेंट करता है। अगर फर्जी नर्सिंग कॉलेजों के कागज उससे नर्सिंग कॉलेजों से पढ़ के नर्सिंग स्टाफ निकलेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, वो मरीजों की जान ले लेंगे। तो इसको लेकर हमने मांग की है मुख्यमंत्री से कि इस नर्सिंग फर्जीवाड़े में जो भी संलिप्त लोग हैं, जो भी दोषी हैं, जो भी तत्कालीन रजिस्ट्रार और तत्कालीन अधिकारी है, उन सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। उसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है, मुख्यमंत्री जी को साक्ष्य देना चाहते हैं। खासतौर से नर्सिंग घोटाले की चर्चा पूरे देश में, और जिस तरीके से खुलासा किया है, सीबीआई को शिकायत की थी उसके बाद कार्रवाई हुई है, तो कहीं ना कहीं अब जान का खतरा है, और यही कारण है मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर एक तरफ जहां सुरक्षा की मांग की है, तो वहीं सीबीआई घोटाले में जांच के जो दस्तावेज हैं वो उनके पास हैं और वो चाहते हैं कि वो जांच में सहयोग करें और दस्तावेज सरकार को सौंपे। दिलीप विश्वकर्मा के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। तो नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठाने वाले ने जान का खतरा बताया, दूसरी तरफ इस पूरे घोटाले की जांच पड़ताल की जा रही है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भी अब सख्त रवैया देखने को मिला है। नर्सिंग घोटाले में शामिल अधिकारियों की सेवाएं अब समाप्त होंगी, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। अनफिट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वालों पर भी अब कार्रवाई होगी, तो सरकार इसके लिए तैयारी करे, मुख्यमंत्री ने कहा। एक तरफ जहां आप देख रहे हैं नर्सिंग घोटाले में लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, जो भी अफसर जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे अब उनकी खैर नहीं, सीधे उनको बर्खास्त किया जाएगा, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए निर्देश दिए और कहा है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों की सूची बनाई जाए, तय मापदंड पूरे नहीं करने पर भी कई कॉलेजों को मान्यता दी गई है और ऐसे कॉलेजों की मान्यता भी अब खत्म की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इंजीनियर मेडिकल की तर्ज पर अब नर्सिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी इसमें ना हो। केंद्र के नर्सिंग एक्ट के अनुसार ही राज्य में अब आयोग भी इसके लिए बाकायदा गठित किया जाएगा।
आपको बता दें कि नर्सिंग काउंसिल के तत्कालीन रजिस्ट्रार सचिव पर भी अब कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री का सख्त रवैया नर्सिंग घोटाले को लेकर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी अधिकारी अफसर इस पूरे मामले में इस घोटाले में संलिप्त पाए जाएंगे उनकी अब खैर नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी।